अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा शबान और आप देख रहे हैं गोल्डन थॉट्स। कुछ दिनों से पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इस पर तो बस बस बस, यकीनन आप, मैं और हम सब पाकिस्तान को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल है कैसे। हाँ भाई, कैसे आप लोगों से ही पूछते हैं कि कैसे। लेकिन सबसे पहले हमारे प्यारे और खूबसूरत नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे भाई, सब्सक्राइब और बेल का बटन ही तो दबाना है, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। तो चलें आवाम की राय लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। अच्छा अच्छा, हम पाकिस्तान को बाकी कंट्रीज की तरह एक अच्छा मुल्क कैसे बना सकते हैं? बाकी कंट्रीज की तरह अच्छा मुल्क कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे हुक्मरान अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल होने चाहिए। हमारी स्टेट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री भी अच्छी होगी। अच्छा, पाकिस्तान को अच्छा बनाने के लिए हमारा क्या किरदार होना चाहिए और गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए? गवर्नमेंट का किरदार यही होना चाहिए कि जो रूल्स गरीबों के लिए है वही अमीरों के लिए भी होने चाहिए, ठीक है। और जो यानी कि एक आम आदमी के लिए रूल्स उन्होंने अपनाए होते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही होने चाहिए, चीफ मिनिस्टर के लिए भी वही होने चाहिए, तो जितने भी बड़े अहदेदार हैं उनके लिए भी यही रूल्स होंगे तो फिर ही हमारी जो सी कंट्री है वो तरक्की कर सकेंगी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शबनम खालिद। क्या करती हैं? बस हाउसवाइफ। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान को हम बाकी कंट्रीज की तरह कैसे अच्छा मुल्क बना सकते हैं? पाकिस्तान तो अच्छा फिर ही बन सकता है, जो आप आपस में लड़ते रहे तो फिर तो नहीं बन सकेगा। वो तो आपस की लड़ाई है ना, तो वो बन गया था, इमरान खान बन गया था, उस वक्त भी नवाज शरीफ से पीछे नहीं हटा, उसी को करता रहा कुछ ना कुछ, लेकिन लोगों के लिए उसने कुछ नहीं किया था। वो बस अपनी पता नहीं क्या, वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, कोई लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। 3.5 साल में उसने तो कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ ने तो फिर भी कुछ किया था। उन्होंने पुल बनवाए, स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई, सब कुछ उन्होंने किया, जो कुछ किया अब तक, इसने तो कुछ भी नहीं किया। फिर भी लोग तो पता नहीं ये क्या तमाशे, और पता नहीं ये बच्चों को गुमराह कर रहा है और उनको ले लेके फिर रहा है। इतने उन्होंने लोगों को अंदर मर भी गए हैं लोग, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। रोज़ाना लड़कियाँ लड़के जाके रातों को जैसे वो नाच गाने सीख रहे हैं, ऐसी नहीं ना होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये अगर आपस में ही लड़ते रहें तो फिर कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान को अच्छा मुल्क बनाने के लिए आवाम को क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि आवाम को देखें, वो जो कुछ करते हैं ना उनको वोट दें, उनको सपोर्ट करें। ये ना हो कि बस ये कि ये खिलाड़ी अच्छा है और ये फलाना अच्छा है, उसको दे, ये मुझे पसंद है ये नहीं पसंद। जो काम अच्छा करता हो उसको वोट करें ताकि वो कल को काम करें और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साबित हो। लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं है कि ये आपस में पाकिस्तान का कुछ बनने दें। हाँ जी, ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। नहीं, वैसे इंशाल्लाह बन जाएगा, अगर सब मिलके करेंगे तो बन जाएगा। लोग अगर देखें ना भी कोई कुछ कर सकता है तो वो वोट दें। देखो नवाज शरीफ ने आज तक किसी को ना गाली ना गलोच ना किसी के नाम रखे ना कुछ किया, इतने मतलब है कि सीरियस मिजाज के और अच्छी बात करते, तो पढ़े लिखे। जो इमरान खान जो देखो क्या क्या कैसे कैसे, ना किसी की बेटी को छोड़ते हैं ना किसी के बाप को छोड़ते हैं, ना हर एक के नाम रखे हुए उन्होंने। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं, पढ़े लिखो के ये मुँह से ये अच्छी बातें नहीं लगती। ये तो ऐसे जो आम होते हैं ना, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं, लेकिन मुझे तो इनमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सादिया शराज। क्या करती हैं आप? हॉस्ट। माशाल्लाह। अच्छा, हम पाकिस्तान को दूसरी कंट्रीज की तरह अच्छा मुल्क कैसे बना सकते हैं? दूसरे मुल्क के यानी कि उनको फॉलो करें, जो उनमें अच्छी चीज़ें हैं वो अपनाएं, जो इस्लाम के मुताबिक हैं वो करेंगे तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। क्योंकि हुक्मरान तो एक मुसलमान अगर हुक्मरान है तो उसको इस्लाम दीन के हिसाब से यानी कि चलना चाहिए, ना कि आपस में साजिश है एक दूसरे को। दूसरे नंबर पर ना मुझे ये बड़ा दुख होता है जब ना इतने बड़े लीडर होके ना एक दूसरे को गालियां देते हैं और नाम लेते हैं ना बुरे बुरे, वो हमें बहुत तकलीफ होती है आवाम को ना। फिर देखें ना, लीडर को फॉलो किया जाता है, बड़े बच्चे हमारे जो न्यू जनरेशन है तो वो क्या सोचेंगे, यानी कि ये चीज़ें वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे
उनका कोई है ही नहीं है दीन से कोई तल्लुक, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन का उसका हुक्मरान ज़्यादा अच्छा है। और फिर ना जिस तरह के उन्होंने तरीके अपनाए हुए हैं ना वो बहुत गलत हैं। हाँ बस यही है, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान को अच्छा बनाने में आपका किरदार क्या होना चाहिए और हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, गवर्नमेंट का किरदार? तो वैसे यही होना चाहिए कि जो सही है ना उसको हम पहचाने, ना कि यह कि कोई कहे कि ये मुझे ये लीडर अच्छा लगता है, ये मुझे ये अच्छा लगता है। आप देखें कि सही मतलब है कौन काम कर सकता है, लेकिन उस तरह की भी पहचान, मुल्क के लिए अच्छा काम करे, अवाम को सहूलतें दें। आप देखें महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, सबसे ज़्यादा तो बुरा हाल अवाम का हो रहा है, तो अगर ये सारी सहूलतें मिलें, हर एक को रोटी कपड़ा मकान से ही मिले, तो वो अच्छा ही हुक्मरान वही होगा जो देगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली। क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का काम है जी। माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान को हम बाकी कंट्रीज की तरह कैसे अच्छा बना सकते हैं? बाकी कंट्री की तरह यानी कि आप इनके हिसाब मिसाल ले जाएं, जैसे आप यूरोप वाली साइड पर कह रही हैं, यही है कि अपने ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए, टैक्स टाइम से पे करना चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि अपनी आवाम का ख्याल रखे, ताकि क्या नाम है आवाम उनके साथ मिलकर चले, कोई भी हुकूमत हो, AYZ जो भी हो, उसको हिसाब से यानी कि टैक्स वगैरह पे करके अपने अच्छे तरीके से काम करके, इस तरह फिर हमारा भी मुल्क आगे जाएगा। हमें भी ख्याल रखना चाहिए, खाली अपने घर का या अपने इलाके का नहीं, पूरे मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। कोई गंदगी ना हो कहीं पर, कहीं कोई चीज़ ना ख़राब हो, कोई हो तो हम उसकी कंप्लेन करें, जिस तरह वो क्या नाम है वो आके सही करें, और इस हिसाब से हमें अपने मुल्क का कुल ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए, जैसे कि बाकी मुल्क इस टाइम बहुत तरक्की याफ्ता हैं, अच्छा मुल्क बनाने के लिए हमारा क्या किरदार होना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यही करना चाहिए ना कि ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात है कि सबसे पहले करप्शन वो नहीं होनी चाहिए, जो कि टोटली तमाम मुल्कों में है, लेकिन हमें भी कम करनी चाहिए इसमें। उसके अलावा क्या नाम है अपनी यानी कि माशी वो बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, हमारी क्या नाम है डॉलर नीचे जाए, और क्या नाम है तरक्की ज़्यादा हो, फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगनी चाहिए। और जैसे कि चाइना में या आप देख लें बांग्लादेश में, जिस तरह के इंडस्ट्री को वो दिए जाते हैं, फवायद दिए जाते हैं कि उनको बिजली फ्री है, ये चीज़ इधर भी ऐसा करना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करेगा ना तो उस तरह मुल्क तरक्की में जाएगा। ये था आज का हमारा शो, आपने लोगों की राय जानी कि हम अपने मुल्क को कैसे दूसरे मुल्कों से बेहतर मुल्क बना सकते हैं, तो लोगों की राय आप लोगों ने जानी। जैसे कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमारे हुक्मरान जब अच्छे होंगे और अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के मुतालिक तमाम तर मालूमात जानने के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल गोल्डन थॉट्स। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।